लोग गाइस आज मैं आपको लेके आया हूँ लिटिल इंडिया की वो स्ट्रीट जिस पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा देखने को। सी यहाँ पे ग्रेप्स हैं $6 के, ब्लैक ग्रेप्स, एंड यहाँ पे आपको ऑरेंजेस मिल जाएंगे $3.50 के, पेयर्स, प्लम्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको ग्रेप्स, वाइट ग्रेप्स मिल जाएंगे $4.50, ब्लैक ग्रेप्स $4.50, एंड ये पोमग्रेनेट है कटा हुआ $3.50। दिस इज वेयर यू कैन हैव मैंगोज, देखिए $12 का मैंगो है, 9.51 kg। यहाँ पे नॉर्मल सिंगापुर में $1.60 का है, तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द फेमस स्ट्रीट, इट इज़ कॉल्ड कैम्बल लेन इन सिंगापुर। तो यहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स अभी शॉप लगा के बैठे हुए हैं, एंड आप इस जगह पे काफ़ी कुछ सामान खरीद सकते हैं। फ्लावर्स आर हियर, देन वुमन की ये कुर्तियाँ वगैरह ये सब यहाँ पे मिलती है, एंड ये देखिए ये एक स्टोर है जिसमें आपको बैंगल्स वगैरह $5 के, एंड बिंदी, एंड दीज आर ऑल द थिंग्स फॉर $5, $6 इतने का आपको यहाँ पे मिल जाता है सामान। ये सब इंडिया मेड है, ये एक बिज़नेस है जो यहाँ पे लोग नॉर्मली इंडिया से आके ही करते हैं, इंडिया का ही सामान है ये, अब ये यहाँ पे आके सेल आउट करते हैं, दे अर्न इन डॉलर्स। देखिए झालर वगैरह है, ये हर टाइम अवेलेबल होता है और हर टाइम ये लोग सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे आने का मतलब देखिए, आप इंडिया से काफ़ी कुछ यहाँ पे बिज़नेस के मूड से आते हैं तो कर सकते हैं। काफ़ी सामान है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का जो यहाँ पे सेल होता है, एंड लोग बहुत सामान भी यहाँ से लेना पसंद करते हैं। सी दीज आर द कंटेनर्स, इसके साथ आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा कुकर एंड हांडियाँ वगैरह मिल जाएगी आपको। फ़िलहाल मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ इनका, $16.50। एंड ये देखिए यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिलेगा, इंडिया का जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, काफ़ी कुछ है इनके पास जो ये रखते हैं इंडियंस के लिए और बाकी और फॉरनर्स वगैरह के लिए। देखिए ये पूरा पूजा का सामान है, इस जगह पे टेंपल्स हैं यहाँ पे, तो लोग अक्सर आके यहाँ पे ख़रीदते हैं सामान। इंडिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में मार्जिन है और फर्क है, आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे स्टोर्स हैं। $6 की कुर्तियाँ हैं, बैंगल्स का यहाँ पे बहुत क्रेज़ है, उसके अलावा ब्रास वगैरह की आइटम्स का बहुत क्रेज़ है। ये लगभग $200-$250 की होगी एक ब्रास की आइटम गणेश जी की, ये उससे भी ज़्यादा आप समझ लीजिए। ये देखिए ये स्टोर है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ रखा हुआ है। इवन द फॉरनर्स दे प्रेफर दी स्टफ। तो ये देखिए ये सब इंडिया से होलसेल में आता है, एंड देन दे सेल इट ऑन गुड प्रॉफिट, गुड मनी। तो आपको बस इतना बताने का मेरा मकसद था कि यहाँ पे बिजनेस वगैरह काफ़ी है, काफ़ी अच्छा है, और इस टाइम पे किया हुआ काम आपको ये देखिए गोलगप्पा है, एंड दिस इज़ फॉर $5 के 6 pieces, $5 का मतलब ₹300 के 6 pieces, ₹50 का 1 piece। समोसा है ₹200 का 1 piece, जलेबी है ₹200 की 1 piece। तो ये कुछ प्राइसेस हैं यहाँ के, सिंगापुर काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट देन अगर आप बिजनेस के मूड से आते हैं, यू कैन अर्न गुड मनी हेयर, यू कैन स्टार्ट एज अ एंटरप्रेन्योर हेयर, एंड एंटरप्रेन्योर के साथ आप यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। आपको एंटरप्रेन्योर पास अप्लाई करना होता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आई विल अपडेट यू विद इट।
एंड एंटरप्रेन्योर पास आप अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे व्यापार वगैरह आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एंड लोग यहाँ पे यही करते हैं, एंटरप्रेन्योर पास अप्लाई करते हैं फिर काम करते हैं। और इंडिया और सिंगापुर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ये सारी चीज़ें लगभग इंडिया से, मलेशिया से और इंडोनेशिया से आता है इनका सामान, और यहाँ पे अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं इन्हें उन सब चीज़ों के। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि अपना ट्रेड छोड़िए, बट मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी सेटल हो जाते हैं सिंगापुर में तो एक लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी ट्रैक पर आ जाती है। वेजिटेबल्स, फ्रूट शॉप्स, आजकल ये सब खुल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप काम यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो शुरुआत में जो इंसान यहाँ पे पैसा लगा लेगा ही कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये मद्रास की शॉप है, देखिए दीज आर द टोमेटोज व्हिच आर हियर, ये सब बाहर से आता है। जब भी बाहर स्टॉक की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप बिज़नेस लाइसेंस लेके काम शुरू कर सकते हैं, और एक बार काम शुरू हो जाता है तो आपको काफ़ी उसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो आपको कोई भी किसी के बारे में भी कुछ पूछना है, कोई लाइसेंस के बारे में या कुछ, तो यहाँ की गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई उल्टे सुलटे टैक्सेस लगाएंगे, जैसे इंडिया की तरह पे आपको पुलिस को देना है, एमसीडी को अलग देना है, एनडीएमसी को अलग देना है, आपके वहाँ पे लोकल कोई बॉडी है उसे आपको अलग पैसा देना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, शॉप का रेंट होता है और टैक्स होता है गवर्नमेंट का, तो वो टैक्स और रेंट देना पड़ता है। नॉर्मली यहाँ पे बहुत शॉपकीपर्स बिल भी नहीं देते हैं तो वो अपना टैक्स बचा लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पे है जो सेल हो रहा है, इनफैक्ट हाईली रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे आके काम धंधा कीजिए। काफ़ी शॉप्स बंद भी हैं, सी $12 की यहाँ पे जीन्स है, तो ये बैग्स है, अब मैं आपको एक बैग दिखाता हूँ एंड दिस इज़ फॉर $70, अगर आप देख सकते हैं तो $70 इसका प्राइस है। तो लोग फिर भी लेते हैं, ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला इज़ फॉर $5। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक बार टूर करने आइए, टूर में आपको देखेगा कि भाई आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी सिंगापुर के बारे में कि सिंगापुर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे आइए, कोई काम कीजिए, और इफ़ इन केस आपको कोई भी क्वेरीज है या कुछ भी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए गोल्ड की तो काफ़ी दुकानें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाहता था कि सिंगापुर में everything has been open now. तो कुछ भी होता है, कोई भी information के लिए you can WhatsApp us on +65 8540 7054, ये मेरा number है, and I will definitely जो best हो सकेगा I will update you. Thank you and have a very nice day. Thank you.